तुम लोगों को मेरे टिफिन की खुशबू नहीं आ रही है क्या? नहीं तो पर ऐसा क्या है तुम्हारे टिफिन में? अरे आज मेरी मम्मी ने बड़ी खास चीज भेजी है। वो क्या? आलू के पराठे और आम का अचार। आलू के पराठे, आम का अचार। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह, मजा आ गया। तुमने मेरे आलू के पराठे खाए? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर, सर, जिंटू ने मेरा टिफिन खा लिया। सर, क्या कोई खास चीज थी तुम्हारे टिफिन में? हाँ सर, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे भेजे थे। जिंटू, तुम यहाँ मत आया करो। तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए अगर वीर से मिलना है तो बाहर ही मिला करो। दोबारा स्कूल में दिखाई मत देना। चलो अब यहाँ से रवानगी डाल लो। जिंटू, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ फिर मत आना। मिस्टर कक्कड़, कुछ दिनों के लिए एक टेम्पररी टीचर चाहिए। अब आया बात में नमक। अब देखता हूँ कोई कैसे मुझे वीर से दूर करता है। मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, टीचर बन जाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सर, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम हरदयाल शर्मा है, मुझे जॉब चाहिए। ओके, मिस्टर शर्मा, आप अपनी डिग्री दिखाइए। एक मिनट, बताता हूँ मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर है। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? डिग्री? मुझे आपकी डिग्री चाहिए, मतलब कि जैसे किसी के पास डॉक्टर की डिग्री होती है, किसी के पास इंजीनियर की, किसी के पास पायलट की, वैसे ही हर इंसान के पास अलग अलग डिग्री होती है। हम आपका कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ओ, मेरी डिग्रीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देख लीजिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पायलट भी? ओह नो, आप साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका, स्कल्प्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, सब कुछ। क्या बात है, आप तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी हैं। फिर आप पढ़ाना क्यों चाहते हैं? बिकॉज आई लव ईटिंग, मेरा मतलब है टीचिंग। ओ, तो ये बात है, फिर तो आपको अभी के अभी ये नौकरी दी जाती है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिला देता हूँ। बच्चों, ये तुम्हारे टेम्पररी टीचर हैं। मिस्टर शर्मा, आप इस क्लास को पढ़ाइए, लंच ब्रेक में सब टीचर्स से आपकी मुलाकात होगी। ओके सर। ये तो जिंटू के जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जिंटू का कोई भरोसा नहीं, वो तुम्हारे करीब रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके बच्चों, एक लाइन से अपना नाम बोलो। सर, अच्छा छोड़ो, नाम पूछ के क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी टीचर हूँ, नाम याद ही नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, जान के क्या फायदा। हाँ तो ये बताओ, पढ़ाई में सबसे तेज लड़का कौन है? अच्छा छोड़ो, क्या फायदा, मैं तो टेम्पररी हूँ। सर, वीर है, ये जो मेरे बगल में बैठा है। वीर, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप करना अच्छी बात नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अब खड़े हो जाओ क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। लो, तुम खाओगी? ये तीर तो उल्टा ही पड़ गया। बंटी बेटे, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। ए तुम्हारा नाम क्या है?
बंटी, और तुम लोग जो हंस रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? केटी। केटी। हाँ, तो तुम लोग बेंच पे जाके खड़े हो जाओ। क्यों? क्यों सर, क्यों? क्योंकि स्कूल में फोन लाना मना है और तुम लोगों की जेब में फोन है। नहीं सर, हमारे पास कोई फोन नहीं है। तो देखो अपनी पॉकेट्स में। सर ये हमारा नहीं है, हमारा। ये पक्का जिंटू ही है, अभी बताता हूँ इसे। ये क्या कर रहे हो जिंटू? वापस जाओ। कौन जिंटू? किसकी बात कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। ये लंच ब्रेक कब होगा? जब घंटी बजेगी सर। सर, जरा चाट खाने चलें। हाँ चलो चलो। मैं चाट नहीं खाता। Out, you may go now. वीर, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं जिंटू हूँ। पर मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा जिंटू। न्यू टीचर मिस्टर शर्मा, आई एम मिसेस सेन गुप्ता। आपको देख के लगता नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या हो। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। सर, आप टिफिन नहीं लाए? नहीं। ओह, कोई बात नहीं, टेस्ट माय फूड। सब आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सब में से खाइए, खाइए ना सर। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अब मैं जब तक स्कूल में हूँ, आप सबका टिफिन यूं ही हर रोज खाता रहूँगा, ताकि आपको बुरा ना लगे। और आप ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो मैं घमंडी हूँ। मैं आपसे यूं ही घुल मिल के रहूँगा। ये टीचर जिंटू ही है। मुझे भी पक्का यकीन है, लेकिन वो मानेगा नहीं। उसके पास जादू है, हम प्रूफ कैसे करेंगे? जादू से निपटने के लिए अब जादू का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं अभी आया। नाना जी, जल्दी आइए। क्या बात है वीर? चिंटू जिद्दी है, मैं उसे रोकूंगा तो वो मानेगा नहीं। बोलो क्या करूं मैं? मेरे पास एक प्लान है, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। ओके, मैं तैयार हूँ। अब चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इनविजिबल होके सब देखूंगा। ये मजा मैं मिस नहीं कर सकता। इमली तुम छुप जाओ, कुछ देर बाद आना। पापा, पापा, पापा। पापा? कौन पापा? किसका पापा? कैसा पापा? कौन हो तुम? पापा मुझे भूल गए। अरे भाई, मेरा कोई बेटा नहीं है, कौन हो तुम? अरे अरे, कौन हो तुम? क्यों जी, क्यों रुला रहे हो हमारे बेटे को? नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, झूठा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, मैं तो चला। अरे सर, क्या कर रहे हो? घर में झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह अपनी फैमिली को छोड़ देना ठीक नहीं है। कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे की तो शक्ल भी आपसे हूबहू मिलती है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। शर्मा जी होकर भी आपको शर्म नहीं आती? पापा किसी दो, नहीं छोड़ो, किसी दो पापा, किसी दो। एक दूंगा, लगता है कोई मेरी बात मानेगा नहीं और ये मुसीबत मेरे गले पड़ आएगी। सर सर, जिंटू मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसा मत करो सर। मुझे भी नहीं पता था कि आप उसके पापा हैं। सर, क्या मैं आपको अंकल बोल सकता हूँ? बोल बोल बेटा, और मुझे आंटी बोलना।
वीर, ये जिंटू नहीं है, ये कोई बेरूपिया है। ये जिंटू है। ये जिंटू नहीं है। यही जिंटू है। नहीं है। ये नहीं है तो कौन है? मैं हूँ जिंटू, मैं हूँ। उप्स, सॉरी। ओके ओके वीर, तुम जीत गए, मैं हार गया। अरे तुम जिंटू हो तो फिर ये कौन है? ओके नाना जिन, तो आप इनकी मदद कर रहे थे। सॉरी नाना जिन। सॉरी वॉरी बाद में बोलना, पहले सबको भुला दो कि तुम यहाँ टीचर बन के आए थे। वीर बेटा, तुम स्कूल की तरफ से हिमालय जा रहे हो कैंप के लिए। देखो, रोज गरम दूध में हल्दी डालकर पीना और इमली को भी पिलाना। दादाजी मैं रोबोट हूँ, अब बार बार क्यों भूल जाते हो? मैं सच में भूल जाता हूँ। जिंटू चुलबुल, कान खोल के सुन लो। तुम लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हो, ओके? इस कैंप में सिर्फ स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। ओके ओके वी प्रॉमिस, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं, हम तो अकेले जा रहे हैं, क्यों चुलबुल? अरे रुक जाओ, कितनी सुंदर जगह है। कसम मेरे बच्चों के टिफिन की, जी करता है यहीं बस जाओ। अरे ये हमसे पहले कौन यहाँ आकर पिकनिक कर रहा है? तुम लोग यहाँ भी? मेरे बार बार मना करने पर भी तुम लोग किसी भी तरह मेरे पीछे आ ही जाते हो। गलत, मैं तो यहाँ अक्सर आता हूँ। हम लोग हमेशा यहाँ आके पेंगुइन्स, पोला बेयर, व्हाइट टाइगर्स, वुल्फ, इनके साथ खेलते हैं। ये जानवर यहाँ कैसे? ये तो आर्कटिक और अंटार्कटिका में मिलते हैं। और ये वहाँ हर रोज सपने में जाते होंगे, क्यों है ना जिंटू? हंसना बंद करो, मैं ये प्रूफ कर दूंगा, ये सब जानवर हिमालय में भी होते हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म तम दमादम। बाय वी, सी यू। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ सचमुच पेंगुइन्स हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहली बार देखने और सुनने को मिलती है। इसका मतलब जिंटू ने सच कहा था, उसने यहाँ पेंगुइन्स देखे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर, ये जरूर वीर का कोई जादू है। ओ नो, ये तो वुल्फ भी आ गए। रोबो बॉय सूट ऑन। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओ नो, इसकी याददाश्त फिर चली गई। जिंटू अपना सर दो, एक टपली मारनी है।
खबरदार मेरे सिर को छुआ तो। फिर कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसे सबक सिखा दो, ये मुझे मार रहा है। ये लो, ये भी लो, ये भी लो। दोस्तों अब कहाँ चले? पिकनिक वालों के पास चलो, उनके पास बहुत खाना पीना अभी भी होगा। चलो रुक जाओ जिंटू, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अभी मस्ती मजाक बहुत हो गया। जिंटू भी हमेशा मुसीबत क्रिएट करता है, अभी जाके उसे ठीक करता हूँ। ये कौन है? इस इलाके में नया लगता है। एक्सक्यूज मी, अरे ये तो फिर आ गए, अब क्या होगा? कोई बाहर मत आना। ये कैसे जानवर है? जैसे भी वो दिख तो टेस्टी रहे। लेट्स पार्टी। दोस्तों पार्टी इज ऑन, एंजॉय। रुक जाओ, रुको। रोबो बॉय, वो देखो रोबो बॉय आ गया। रोबो बॉय, ये हमारे शिकार हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो। एनिमल टॉकिंग मशीन ऑन। एनिमल टॉकिंग मशीन ऑन। ये मेरे दोस्त हैं, खबरदार इनको खाने की कोशिश की। दोस्तों हमला। दोस्तों वो हमारे लिए लड़ रहा है, चलो दिखा दो हम भी कम नहीं। कुछ करो जल्दी, उसकी याद वापस लाओ। आओ आज मुकाबला हो जाए, लेट्स एंजॉय पिकनिक, मेरे साथ डांस करो। ओके हम तैयार हैं। पेंगुइन के साथ डांस, बड़ा मजा आ रहा है।
मैं भी डांस करूंगा। अरे ये क्या जादू है? जो है सब तुम्हारा ही किया धरा है। जिंटू, जिंटू, मुझे ठीक करो प्लीज, मुझे वापस टॉम की चुलबुल बना दो। जिंटू चलो, हम तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और टेंट के पीछे से आके इनका डांस जॉइन कर लेते हैं। उनको सोचने दो कि हिमालय में पेंगुइन्स होते हैं। मालूम था रोबो बॉय वीर है, उसका दोस्त जिंटू जादूगर है। वीर ही रोबो बॉय है, रोबो बॉय ही वीर है, पेंगुइन जिंटू है और चुलबुल भेड़िया है। सुनो मेरी बात, सुनो। जिंटू तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पेंगुइन्स हैं। ये देखो बड़े ही फ्रेंडली, हम बहुत लकी हैं कि हमने हिमालयन पेंगुइन्स देख लिए। थैंक यू जिंटू, थैंक यू। सर मेरी भी तो सुनिए सर। कम किड्स, लेट्स एंजॉय विद हिमालयन पेंगुइन्स। मेरी कोई नहीं सुन रहा, सबको हिमालयन पेंगुइन्स की पड़ी है।